आज हम बात करेंगे क्या बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद हम खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं और कितना खा सकते हैं। देखिए, सिर्फ ये सर्जरी खाने की कैपेसिटी को कम नहीं करती। बेसिकली इस सर्जरी के साथ अंदर से जिस तरह से हम खाने को खाते हैं, वो खाना कैसे बॉडी में अब्सॉर्ब होता है और वो खाना कैसे फैट में कन्वर्ट हो जाता है, इस चीज़ों को हम ऑल्टर करते हैं। आपने बहुत देखा होएगा कि अगर कोई इंसान कम भी खाता है उसका वेट ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा लोग मात्रा में खाने वाले भी लोगों का वेट कम है। तो सिर्फ खाना ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अंदर से ऑल्टर करते हैं, हमारी अंदर से ऑल्टरेशन खाने को कैसे अब्सॉर्ब करना है, कैसे उसको फैट में नहीं कन्वर्ट होने देना, और जो हमारी बॉडी के अंदर फैट बना हुआ है उसको धीरे धीरे कंज्यूम कर लेना है। यस, ऑपरेशन के बाद कुछ एक दो महीने तक हमारी खाने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। कम होने का मतलब ये है कि जितनी हमें ज़रूरत है, अब मान के चलिए कि अगर किसी का 1.5 क्विंटल वेट है और उनका जो सही मायने में वेट है वो 80 किलो होना चाहिए, तो ऑपरेशन के बाद आपकी जो खुराक है वो 80 किलो जितनी रह जाती है, और जो एक्सेस खुराक थी वो धीरे धीरे अपने आप से कम हो जाती है और आप उतना ही खाते हैं जितना आपको 80 किलो को मेंटेन करने के लिए चाहिए। विद टाइम जैसे जैसे आपका वेट 150 से 80 तक पहुंचता है, आपके खाने की थोड़ी कैपेसिटी बढ़ जाती है और आपकी बॉडी में जो सारा फैट बना हुआ है वो सारा कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए जो लोग ये ऑपरेशन करवाते हैं, एक आधे महीने में ही वो अपनी नॉर्मल डाइट में और नॉर्मल लाइफस्टाइल में पहुंच जाते हैं। तो आप आज ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और अपने आप को इस एक्सेस वेट से और बीमारियों से फ्री करवाइए। थैंक यू।